में बांट पाते वो कैसे रहे? प्रशासन जिम्मेवार रहेगा, दूसरा कैसे रहेगा? यहाँ से रास्ता में जाम रहेगा, रास्ता में जाम रहेगा तो प्रशासन के वो उसको ना जाम क्लियर करवाना है, दूसरा कौन जाम क्लियर करवाएगा? हाँ जाम मिला था, लड़की का एग्जाम दिलवाने आए हैं, बहुत जाम मिलता है। खराघाट पुल पर तो और ज्यादा जाम फंस जाता है, वहाँ पर जाम मिलता है तो आने में दिक्कत हो जाता है। उस दिन तो हम 5 घंटा जाम में फंसल रह गए घोरिया बाजार पर, रेलवे क्रॉसिंग पर 5 घंटा। कि काम है कि बच्चा सा छड़की टप के भी अंदर जा रहा है तो नहीं पेपर नहीं दे रहे हैं, परीक्षा नहीं देने दे रहे हैं, तो बच्चा का तो भविष्य खराब हो गया। साल भर के सारा सब बेकार चल गया, पढ़ल लिखल फिर साल भर। बड़ा प्रॉब्लम है के पाठक का, जो ये नियम लागू किया अपने बिहार के अंदर। क्या नियम लागू किया है? सरकार का कठपुतली है जो नियम लागू किया शिक्षा व्यवस्था में, अभी उसका पालन कर लिए, वहाँ से ऑर्डर तो दे दिया वो, लेकिन नीचे क्या पालन हो रहा है उसको कितना बच्चा है जो मानसिक भी अति हो जाता है ना, जो मैंने कि उसके दिमाग पर पड़ जाता है जब इतना दिन मेहनत किए और मेरा एग्जाम छूट गया है। इतना मैंने कि बच्चा सब रेलिंग छलप के भी जाता है, दीवार तोड़ के गया है, गेट तोड़ दिया है, फिर भी उसको नहीं एग्जाम देने दिया है, ये सब गलत है। ये तो कानून के खिलाफ होगा ना? कानून के खिलाफ तो बच्चा के साथ गलत किया तब ना बच्चा फिर गलत कर रहा है। बच्चा के साथ अगर गलत नहीं होगा तो उस वो भी गलत काम नहीं करेगा। इस पर जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री के आदेश के आधार पर प्रिंसिपल स्कूल का आदेश का पालन करता है, जिसके कारण बच्चे बच्चियों का लाइफ खराब हो रहा है। जो राइड चलने वाला है उसको जो है कि परेशान करता है। अगर बाइक वाला एक बाइक यहाँ गया, एक बाइक यहाँ गया, दाहिने दाहिने ही चढ़ते रहता है, उसको कुछ नहीं प्रशासन करता है। जो अगर जो ऑटो वाला है या कोई दूसरा गाड़ी वाला है उसके ऊपर में चढ़ बैठता है, यही तो देखते हैं। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हिमालयन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल। गार्जियन को तो ये है कि हमारे बच्चे को टाइम से पहुंचे, टाइम से, हालांकि रोड जाम के कारण, छोटा रास्ता के कारण क्या कर, प्रशासन भी क्या कर सकता है? प्रशासन भी क्या कर सकता है? अगर आपको जाना है, आप बाइक ले रखे हैं, आपको जल्दी है, 4 चक्का वाला या 3 चक्का वाला क्या कर सकता है वो? किसी के प्रशासन ही मुंह से मना करेगा ना, डंडा चार्ज करेगा तो लफड़ा बढ़ेगा और जाम लगेगा। सिस्टम क्या ठीक है? सिस्टम में तो अभी हम लोग तो देख रहे हैं जो रोड का हालत खराबी है, उसके बाद में और रह गया जो प्रशासन भी जो राइड चलने वाला है उसको जो है कि परेशान करता है। अगर बाइक वाला एक बाइक यहाँ गया, एक बाइक यहाँ गया, दाहिने दाहिने ही चढ़ते रहता है, उसको कुछ नहीं प्रशासन करता है। जो अगर जो ऑटो वाला है या कोई दूसरा गाड़ी वाला है उसके ऊपर में चढ़ बैठता है, यही तो देखते हैं हम लोग। बाहर तो इसका जो है कि जो स्कूल का टीचर है 10 मिनट लेट आया, 10 मिनट अगर लेट आया तो उसको जो है टीचर को अंदर जाने देना चाहिए था, बिल्कुल जाने देना चाहिए था। इसमें जिम्मेवार टीचर होगा, जो जो भी स्कूल का हो उसका जिम्मेवार टीचर होगा। क्या बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बचाओ नहीं बिगाड़ो। हाँ, इस पर जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री के आदेश के आधार पर प्रिंसिपल स्कूल का आदेश का पालन करता है, जिसके कारण बच्चे बच्चियों का लाइफ खराब हो रहा है। समझे, 10 मिनट लेट कभी आता है तो जो प्रिंसिपल या स्कूल के जो टीचर है उनको आदेश का पालन करना पड़ता है, तो इसका तो सर्वोसर्वा सरकार दोषी है। सरकार का आदेश पर ना काम करता है कोई भी स्कूल हो या प्रशासन हो, तो इसका दोषी सरकार है, दूसरा कोई नहीं है। उस दिन तो हम 5 घंटा जाम में फंसल रह गए घोरिया बाजार पर, रेलवे क्रॉसिंग पर 5 घंटा। कि काम है कि बच्चा सा छड़की टप के भी अंदर जा रहा है तो नहीं पेपर नहीं दे रहे हैं, परीक्षा नहीं देने दे रहे हैं, तो बच्चा का तो भविष्य खराब हो गया। साल भर के सारा सब बेकार चल गया पढ़ल लिखल, फिर साल भर वेट करना पड़ेगा। जिम्मेवार कौन है? गार्जियन जिम्मेवार है या फिर गार्जियन कैसे जिम्मेवार है? जाम में फंस जा रहा है तो गार्जियन थोड़ी जिम्मेवार हो गया, जिम्मेवार हुआ सरकार, चाहे जो नियम लागू किए हैं सो। गार्जियन कैसे लागू हुआ? गार्जियन तो घर से निकलबे कर रहा है, लेकिन जाम यहाँ लग रहा है, इधर उधर नाला नूली सब टूटल है, रोड वोड बन रहा है, तो अभी बनाना चाहिए, बाद में नहीं बनाते, चाहे पहले भी ऐसे बनाना चाहिए उनको, तो बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है। दूसर क्या, जाम मिला था, लड़की का एग्जाम दिलवाने आए हैं, बहुत जाम मिलता है। खराघाट पुल पर तो और ज़्यादा जाम फंस जाता है, वहाँ पर जाम मिलता है तो आने में दिक्कत हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है आने जाने में। हाँ लग हुआ था एग्जाम, देखे थे कि बच्चों को 10 मिनट 20 मिनट। हाँ, बच्चों पर कितना बच्चा है जो मानसिक भी अति हो जाता है ना,
तो मैंने कि उसके दिमाग पर पड़ जाता है जब इतना दिन मेहनत किए और मेरा एग्जाम छूट गया है, इतना मैंने कि बच्चा सब इधर रेलिंग छलप के भी जाता है, दीवार तोड़ के गया है, गेट तोड़ दिया है, फिर भी उसको नहीं एग्जाम देने दिया है, ये सब गलत है। ये कानून के खिलाफ हुआ ना, कानून के खिलाफ तो बच्चा के साथ गलत किया तब ना बच्चा फिर गलत कर रहा है। बच्चा के साथ अगर गलत नहीं होगा तो वो भी गलत काम नहीं करेगी, वो भी उस मन की 5-10 मिनट अगर लेट हो रहा है तो उसको देने जाना परीक्षा एग्जाम देने देना चाहिए ना। पूरा 2 साल बर्बाद इसका हो जाएगा अगर एग्जाम एक भी छूट गया तो।